शुरुआत के समय में इन्होंने अच्छी शुरुआत दे दी टीम को, ये चार ओवरों में तो टीम पचहुआ मजबूत दिखेगी। अगर इन शुरुआती ओवरों में कई दो तीन करारी जो विकेट है शिकस्त देने के लिए, अगर उन्होंने ये काम कर दिया तो टीम मानव सेवा संस्थान मजबूत हो जाएगी। तो अब 133 करने हैं। अभिषेक भाई है, मुझे गेल भाई है, बारह ने 133 रन बनाना है ना। तो यहाँ पर एक इनाम आया है, अगर काजू स्वीट आउट की तरफ से पहली गेंद पर अगर गेंद कोई भी गेंदबाज अगर सफलता लेगा तो उसको 151 रुपए दिया जाएगा। तो पारस दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे बीच में माननीय श्री पारसनाथ यादव जी जो ब्लॉक प्रमुख महाराजगंज आजमगढ़ ये चलकर आए हैं। इस क्रिकेट प्रतियोगिता का मान सम्मान ख्याति जो बढ़ गई इस क्रिकेट डेरवा की ग्राम सभा के लोगों गोरखपुर में मैच हो रहा है, सबकी तरफ से मैं अभिवादन स्वीकार करता हूं। माननीय श्री रत्नेश यादव, बबलू भैया, मकसूदन यादव, अमरकुश यादव, कमलेश यादव, ऐसे तमाम जो सभी इस क्रिकेट के कार्यकर्ता है, सभी भाइयों की तरफ से अंपायर सर क्या मैं चाहता हूं कि अभी भी इनिंग ब्रेक हुई थी इसी में अगर हम लाइनअप कराकर अगर मेहमानों से अगर ये रास्ता काम करा लेते फिर एक दो ओवर के बाद ये कार्य करना होगा तो दिक्कतें होगी। ठीक है, ये है छोटे कद के बल्लेबाज, नाम है दीपक, ये लीजिए बल्लेबाज से सवाल पूछती भी निकल गई, ये है ओसामा। ऑफ कटरी ये गेंद बल्लेबाज की पहुंच से काफी दूर और जाने दिया सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में। सानू 133 रन बनाना है भाई। तो मेरे साथ एक और नामचीन हस्ती जनाब रियासत अली साहब जुड़े हैं, जैसा नाम वैसा काम, आसिक अली साहब, ये लीजिए बल्लेबाज से एक और सवाल पूछ ली, नो बॉल अंपायर ने करार कर दिया है, एक नंबर बॉलिंग, नो बॉल, फ्री हिट ये गेंद है भाई, नो बॉल, अंपायर की नजरों से बच पाना बेहद मुश्किल, एक रन स्कोर बोर्ड पर, ये फ्री हिट गेंद है, मौका है यहां कुछ कर गुजरने का दीपक चिराग को, अब यहां कुछ करना होगा और ये बोल्ड कर दिया, लेकिन ये फ्री हिट गेंद थी तो कुछ नहीं होगा, नहीं 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 ये थ्रो लगा है और सॉरी बोलना पड़ेगा अभिषेक को और सौरव को, सॉरी बोल दी इन्होंने। ये क्रिकेट एक ऐसी चीज है दोस्त, ये हमें जोड़ने का काम करता है, ये गंगा जमुना तहजीब पर क्रिकेट खेली जाती है, हिंदू मुस्लिम एकता के ये क्रिकेट खेली जाती है। अभी तक अच्छी गेंदबाजी हुई है, लोग देख रहे वीडियो को, अब तक ओसामा ने दिल जीतने वाली परफॉर्मेंस दी है अपनी टीम के लिए, दीपक को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, लगातार गेंदे उनसे शायद ये पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं अभी तक गेंदे, ये लीजिए एक और अच्छी गेंद, बल्ला चलाकर खड़े हो गए, गेंद काफी देर से आई, 133 करने, है टारगेट, ये पैरों की तरफ गेंद गई है, रन लेना चाहते हैं, ये तो दबाव है साफ देखा जा रहा है, ओसामा जो अपने उंगलियों को बेहतरीन तरीके से खिलाते हैं और ये इनको CR7 यानी क्रिस्टियानो रेनाल्डो कहा जाता है और ये पूरे बिहार में उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्रिकेट स्पर्धाएं खेली हैं, आज इनका सस्ते में विकेट निकल गया लेकिन बहुत अच्छे बल्लेबाज और गेंदबाज हैं। इसी बीच ये लॉफ्टेड शॉट और जाएगी पूरे 6 रन देके, 6/6 शुरुआत, दीपक हाइट कम फाइट ज्यादा, 4
रन। माननीय श्री पारसनाथ यादव जी जो हमारे बीच में मौजूद है, 133 के जवाब में अब तक स्कोर बोर्ड पर 7 रन लग गए। सदी भी शुरुआत, एक नौ एक छक्का, 133 रन बनाने हैं 12 ओवर में। अभी तक पहला ओवर है, स्कोर बोर्ड पर 7। इस बार ये अपील की जा रही है, मांग की जा रही है, अंपायर अपनी जगह पर टसमस नहीं हुए, दोनों अंपायरों की तरफ देखा जा रहा है और यहां अपने ओवर की समाप्ति और पूरे तरीके से खारिज कर दिया। सात रन है स्कोर बोर्ड के ऊपर। तो अब किस नए गेंदबाज को ला रहे हैं गेंदबाजी आक्रमण पर? शानू के लिए गेंदबाजी होगी स्वर्गीय गंगा यादव इंड से। तो इस ओवर की बात दोनों टीमों को बीच मैदान पर मैं आमंत्रित करूंगा लाइनअप होने के लिए, टीम मानव सेवा संस्थान और साथ ही साथ टीम पचौंगा अपने तमाम खिलाड़ियों के साथ। इस ओवर की समाप्ति होने के बाद अंपायर साहब से मैं निवेदन करूंगा। साकिब सिंहासन चौहान ग्रुप में मैसेज है, साकिब पहले तो फाइनल मुकाबला खेला है आजमगढ़ की धरती पर और इनकी टीम देख रहे वीडियो को भाई शेयर कर दे भाई, फाइनल मुकाबला हारी थी, आज सेमीफाइनल में है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं साकिब, अगर देख रहे हो तो ग्रुप में जाके के मैसेज पड़ा है, जबरदस्त थोड़ा देख लो रफ्तार है इनके पास। ये गेंद आप स्टंप के बाहर लहराती बल खाती हुई चली गई विकेट कीपर के दास्ताना में। शानू बढ़िया है बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी गेंदबाज का यहां पर जो फील्ड की सजावट है, एक डीप मिड विकेट एक लॉन्ग ऑन कर रहा है, वो ये कैच पकड़ा है, ये इसी को मैं कह रहा था कि रोनाल्डो, और ये सानू का विकेट गिर गया, और सच बताऊं तो ये बहुत बड़ा विकेट है, बहुत बड़ी सफलता यहां हाथ लग गई है, क्योंकि ये बल्लेबाज अगर रुक जाता तो बहुत कुछ कर देता। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 7, 133 के जवाब में। एक नंबर फील्डिंग है, एक तबियत है यहाँ खड़ी भाजी है ना, कवर रखा है, कवर टनाई हो ना तोले कवर वाले की टाइट चाहिए। तो अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं मैदान में दीपक का साथ देने के लिए, भाई लाजवाब बिट्टू है बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं आप लोग भाई, वीडियो को सिंहासन चौहान अगर यहां से हैट्रिक विकेट प्राप्त करेंगे तो 151 रुपए काजी स्वीट हाउस की तरफ से। हैट्रिक छक्के पर मुनीब यादव की तरफ से 500 रुपए ये इनाम है। बल्ले का एज लगा था या नहीं, लेकिन विकेट कीपर ने सही तरीके से गेंद को गैदर नहीं किया, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा कर लिया। और अब तक सिंहासन चौहान और ओसामा ने एक सदी भी सटीक शुरुआत दी है अपनी टीम के लिए स्कोर बोर्ड पर, हालांकि एक छक्के लगा दिए थे दीपक ने, स्कोर बोर्ड पर है 7 रन। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया बल्लेबाजी, सब कुछ देखने को मिल रहा है, जैसी शुरुआत टीम मानव सेवा संस्थान ने की थी वैसे ही शुरुआत यहां पर मैं देख रहा हूं टीम पचौंगा ने भी की है। सिंहासन चौहान गेंदबाजी कर रहे हैं, ये और ये कोसा बालम, स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 7 और यह दूसरी सफलता। बिट्टू एक बड़ा नाम, एक बढ़िया क्रिकेटर
जो अपने अकेले दम पर मैच की तस्वीर बदल देता। सानू का भी एक शानदार कैच और यहाँ पर मुसैब आलम ने एक और बेहतरीन कैच लगता है गली में पॉइंट पर, माफ करना पॉइंट पर खड़े थे, ये आजमगढ़ के खिलाड़ी हैं। अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो यहाँ पर सिंहासन चौहान ने वापसी करा दी है। बढ़िया गेंदबाजी, नए बल्लेबाज अगर मनोज भाई को हैंड अप कर दे। बिट्टू भी आउट हो गए भाई, भारी भरकम शरीर के मालिक हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, टू डाउन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम की तरफ से। दो विकेट हो गए भाई, 7 रन, 2 विकेट, दूसरा ओवर चल रहा है। तो सिंहासन चौहान ये बढ़िया शॉट है और गैप में है और देकर जाएगी पूरे 4 रन। बहुत ही बढ़िया, ये क्लासिकल स्ट्रोक है और ये पूरे 4 रन देके जाएगी। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या 11 रन। ये और आक्रामक स्ट्रोक, गैप में है ये पॉइंट की दिशा में, ये 4 रन। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टीम 55। मानव सेवा संस्थान ने अपने निर्धारित 12 ओवरों में दोनों टीमें, ठीक है जितेंद्र कबड्डी भाई, में पावर प्ले का ये ओवर समाप्त होगा, इसके बाद लाइनअप कराया जाएगा। 4 ओवर का पावर प्ले है, पंद्रह रन है स्कोर बोर्ड के ऊपर 133 के जवाब में। स्वर्गीय गंगा यादव इनसे गेंदबाजी चल रही थी, अब गेंदबाजी होने जा रही है इस वक्त रोड में इनसे। गेंदबाज ओशामा अपने कोटे का ये दूसरा ओवर लेकर आए हैं अपनी टीम के लिए। हमारे बीच में बैठे हुए हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री पारसनाथ यादव जी, ब्लॉक प्रमुख महाराजगंज, उनके साथ माननीय श्री अमरजीत यादव जी। ओशामा गेंद डिलीवर करेंगे ये, सीधा कीजिए, तो 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 15 रन। ओशामा ये व्हाइट का ये इशारा है, स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या हो गई 16 रन, 133 के जवाब में तीसरा ओवर चल रहा है, अभी इसकी शुरुआत नहीं है। 12 गेंदों पर अभी तक टीम ने 16 रन अर्जित कर लिए। तो अब तक मनोज आए हैं जिन्होंने 2 चौके लगाए, क्या खूबसूरत, एक डी के एक्स्ट्रा कवर पर और एक पॉइंट पर चौका जड़ाए अपनी टीम के लिए। सानू का विकेट सस्ते में निकल गया और बिट्टू का भी, और ये क्लीन बॉल, समझ नहीं आया बल्लेबाज को, गेंद फिरती हुई इससे जो अब तक गेंद की थी। इससे जो पहले ओशामा गेंदे कर रहे थे वो ऑफ कटर गेंदे कर रहे थे, इस बार फ्लिपर कर दी। बल्लेबाज अब थोड़ा सा दबाव में आएगी टीम 55, क्योंकि 3 बड़ी सफलताएं, 3 बड़े धाकड़ बल्लेबाज पवेलियन कीरा, जिन पर 3 विकेट गिर चुके हैं भाई। तीसरा ओवर चल रहा है, 3 विकेट ये गई है। अब आए हैं प्रवीण गेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल जोड़ी इस मैच के लिहाज से, जो प्रतिस्पर्धा है यही है। अब ये जोड़ी निर्णायक जोड़ी है मैदान पर, 55 की किस्मत तय करने वाली ये जोड़ी है। नुमान और राशिद ने आखिरी छड़ों में अच्छा खेल दिखाया था विकेट गिरने के बाद। अच्छी गेंद जाने दिया,
हर छक्के पर प्रवीण गिल को विशाल सिंह जी की तरफ से 50 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। अंपायरिंग कर रहे हैं इस वक्त दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रवि मिश्रा जी अमर भी एक नंबर जो निर्णायक हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारी अब तक निष्पक्ष फैसला दिया है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, बिना किसी के हित में गए, ये बड़ी बात। हमारे ये जीत है, चैनल जफर इंजन नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर ले। दूर जाते हुए गेंदबाजी करेंगे, ये तो सामा अपने जाल में, अपने बिसात में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदीप गुप्ता जी ने 200 का इनाम लगाया है प्रवीण गेल के लिए, अगर ये अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करेंगे। अभी इन्हें अपना खाता नहीं खोलना है, ये सवाल है। हाँ जी, ये रन नहीं, रन लेना चाहते थे लेकिन अच्छी गेंदबाजी, और ये अब तक कड़ी लड़ाई हुई है मैदान के ऊपर। ये कहां पावर प्ले के ओवर में प्रवीण गेल जैसा तूफान जो बड़े बड़े स्ट्रोक लगाता है, आप उनको बांध कर रखा है। यहां ओसामा ने अपनी फिरकी में, अपनी जाल में बांध कर रख दिया है इन बल्लेबाजों को। ये जाने दिया, जाने दिया, ये मेडन ओवर कर दिया। आप लोग वीडियो को शेयर करो, मेडन ओवर भाई, ये मेडन ओवर। मुझे लगता है डेरवा की सरजमीन पर ये सीजन 2021 का तीसरा मेडन ओवर। लाइनअप करा दे जी, बिल्कुल दोनों टीमें लाइनअप हो जाए। मैं आपको फटाफट स्कोर बता दूं, 12 ओवर में 133 के जवाब में 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब इनिंग ब्रेक नहीं होगी, और मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री पारसनाथ यादव जी, महाराजगंज ब्लॉक प्रमुख, साथ ही हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री अमरजीत यादव जी को मैं चाहूंगा कि हमारे जो आज हमारे मुख्य अतिथि की भूमिका में है, मैं चाहूंगा कि रत्नेश यादव जी, मकसूदन भैया, अमरकुश यादव जी, कमलेश यादव जी, उमेश यादव जी, मनोज यादव, छोटू सिंह, राजन तिवारी, शिवाजी, तमाम ये लोग हमारे मेन मुख्य अतिथि को बीच मैदान पर लेकर जाएं, क्योंकि आज ये सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है। दोनों टीमें बीच मैदान पर लाइनअप हो जाए, क्योंकि समय कम है और बल्लेबाजी आपको करनी है। मैं चाहूंगा टीम पचौवा, आप ये देख रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी से आ जाए मैदान पर, लाइनअप हो जाए। दिखा दिखा, आइए आइए भाई, नुमान भाई यही है, आ गए भाई नुमान भाई, थोड़ा पैर में चोट है इस वजह से नहीं खेल रहे हैं, फील्डिंग नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे मुख्य अतिथि का क्या खूबसूरत अंदाज में यहाँ अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं हमारे तमाम खिलाड़ी जो उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। ये डेरवा के पावन धरती पर ये सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है, पचौवा वर्सेज मानव सेवा संस्थान, और इनके आज हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री पारसनाथ यादव जी, ब्लॉक प्रमुख महाराजगंज आजमगढ़, उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री अमरजीत यादव जी, दो बड़े मेहमान जो जफर एंजेट के चैनल पर मुकाबला लाइव दिखाया जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ उनके साथ नुमान शेख, एक बेहतरीन क्रिकेटर आजमगढ़ के, उनके साथ जा रहे हैं, और उनके साथ देख रहा हूँ कि रत्नेश यादव, बबलू जी, तमाम खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे और उनको एक अच्छे खेल के लिए धन्यवाद देंगे और उनकी प्रतिभा को लोहा मनवाएंगे उनके, कि उन्होंने एक अच्छा खेल का प्रदर्शन करें, जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसका, जो उसको बढ़ावा दें, और साथ ही साथ जो सभी लोगों को जो धर्म से जोड़ने का काम करता है ये क्रिकेट, अच्छा लगता है जब ऐसे लोग बीच मैदान पर आकर हौसला अफजाई करते हैं, इन खिलाड़ियों को बढ़ावा देते हैं, इनका मान सम्मान गौरव बढ़ाने का प्रयास करते हैं। माननीय श्री पारसनाथ यादव जी, ब्लॉक प्रमुख अमरजीत यादव जी, और उनके साथ जो मैं देख रहा हूँ मकसूदन यादव जी, साथ ही साथ रत्नेश यादव जी, उमर अमरकुश जी, आजमगढ़ का बेस्ट ऑलराउंडर ओसामा भाई, मनोज जी, इसे तमाम लोग हैं आसिफ अली जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, विजय माल्या भाई यही कैप्टन है टीम के, सभी भाई बंधु छोटे बड़े सबका मैं एक बार फिर से अभिवादन स्वीकार कर रहा हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त इस क्रिकेट प्रतियोगिता को दिया। विजय गेल सभी खिलाड़ियों की आजमगढ़ सबसे अच्छे बैट्समैन से लेफ्टी में के लिए बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं माननीय श्री पारसनाथ यादव जी, और उनके साथ है अमरजीत यादव जी, और आई एम नुमान, आजमगढ़ के यूपी के सबसे बड़े बैट्समैन से भाई, बहुत अच्छा खेलते हैं। उनके बारे में डिटेल्स देते हुए
अंपायर साहब ये बहुत पब्लिक मांग कर रही है अंपायर को, मतलब आजमगढ़ में लाया जाए, नुमान भाई लाएंगे किसी दिन, नंबर इसका ले लीजिएगा। ठीक है ठीक है, शुभ आरंभ किया जाएगा। कुछ ही पलों में ये कार्य समाप्त होने के बाद फिर से जो क्रिकेट बोर्ड पर जो क्रिकेट जो चल रहा है आपको लाइव दिखाया जाएगा मुकाबला। लेकिन ये भी क्रिकेट का सबसे मजबूत पल है जो आपको लाइव दिखाया जा रहा है। और बहुत सारे लोग आजमगढ़ में जो उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो लोग मुकाबले को लाइव देख रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और खैर मक्कम कहता हूं कि आप लगातार जुड़े रहें, कमेंट्री सुनते रहें और स्कोर की अपडेट आपको करती जाएगी और अच्छा आपको देखने को भी मिलेगा। तो बढ़िया है ये मुकाबला। और ये देखिए इसी बीच माननीय श्री पारसनाथ यादव जी के हाथ में जो बैट है और गेंदबाजी संभवतः मैं देख रहा हूँ माननीय श्री अमरजीत यादव जी कर रहे हैं। ये अच्छा ही क्रिकेट को बढ़ावा दे रहे हैं और ये खिलाड़ियों का ऐसे मान सम्मान बढ़ेगा। एक गेंद बस, टाइम नहीं है, बहुत कम है, बस एक गेंद और खेलेंगे। बड़ी खुशी की बात है, ये हर्ष की बात है। ये हमारे समाज में जो पीड़ा उठाए एकता का जो ये पाज बढ़ा रहे हैं और दो तीन गेंदे खेल रहे हैं, अच्छा लगता है कि जब समाज में ऐसे लोग रहते हैं क्रिकेट को बढ़ावा देते हैं, उनको और ज्यादा तरक्की की तरफ एक नया रुख देते हैं, जो नए खिलाड़ी निकले उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाए, उत्तर प्रदेश से खेले, टीम से खेले, आईपीएल की टीम तक पहुंचे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं इन नौजवान खिलाड़ियों को दिए हैं। और अब धीरे धीरे मैदान से मैं देख रहा हूँ कि एक फोटो सेशन होगा इस क्रिकेट प्रतियोगिता का, ये एक सेशन रहा है। और ये यहाँ पर फोटो ये देखिए जफर रंजन के चैनल पर नुमान से, क्योंकि जो उनके सहयोगी माने जाते हैं उनके साथ माननीय श्री अमरजीत यादव जी, पारसनाथ यादव जी से भाई भी है, इनके अच्छे संबंध है। अच्छा ये जो फोटो है कल आपको बढ़िया जो है पेपर में दिखेगा, न्यूज चैनल्स में दिख सकता है, साथ ही साथ आपको ये फेसबुक वॉल पर दिखेगा और ये माननीय श्री रत्नेश यादव जी के फेसबुक वॉल पर भी ये दिखेगा। कई जगह ये फोटो यानी पूरे उत्तर प्रदेश में ये गूंज इसकी दिखेगी। जो आज ये फोटो सेशन हो रहा है माननीय श्री पारसनाथ यादव जी जो ब्लॉक प्रमुख महाराजगंज आजमगढ़, माननीय श्री अमरजीत यादव जी, ये फोटो सेशन समाप्त हुआ। अब दोनों बल्लेबाज बीच मैदान पर है, ठीक है, एक तरफ है प्रवीण एक तरफ है मनोज। ये बढ़िया कार्य हुआ है और ये शुभकामनाएं इस क्रिकेट प्रतियोगिता को दी है। ये बहुत ही सुखद पल इन आंखों को ये देखने में लग रहा है कि हमारे बीच में ऐसे नेक इंसान जो गरीबों के मसीहा रहे पूर्वांचल में, जिनका एक अलग ही ओहदा है, एक अलग पहचान दी है, एक अलग मिसाल दी है माननीय श्री पारसनाथ यादव जी ब्लॉक प्रमुख महाराजगंज आजमगढ़ और साथ ही साथ माननीय श्री अमरजीत यादव जी। तो मुकाबले को शुरू करा दें क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए अंपायर साहब से मैं चाहूंगा, 3:42 हो चुके हैं, जो तमाम जो दर्शक हैं मैदान में मैं चाहूंगा बाहर हो जाएं। अंपायर्स ने यहां फील्डर्स को मकसूदन साहब हैं अंपायर और रवि मिश्रा जी हैं, इन खिलाड़ियों से आप लोग शेयर करते भाई वीडियो को, आप मैच स्टार्ट। तो सुखद पल के बाद मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच से जा रहे हैं माननीय श्री मुख्य अतिथि जो हमारे थे आज के इस डेरमा में, जो स्वर्गीय गंगा यादव प्रतियोगिता के माननीय श्री पारसनाथ यादव जी हमसे, ये भावुक पल है हमारे लिए। ₹3100 की राशि यहाँ स्वर्गीय गंगा यादव प्रतियोगिता के सहयोग किया है। इसी बीच एक छक्का देखने को मिल गया, स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या हो गई 22। अखिलेश यादव अब तक ये बल्लेबाज काफी अच्छा कार्य किया है, वाइट बॉल जाने दिया विकेट कीपर को लेकिन अंपायर ने यहाँ वाइट करार कर दी है। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या होगी 23। बाउंस का भी इशारा कर दिया भाई सुजीत बोल रहे हैं, भाई सुजीत सार कमेंटेटर रानी के शराब बोल रहे हैं, भाई बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं और हमारा एक यूट्यूब चैनल है जफर एंजेड नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। ये सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला है नुमान कंपनी वर्सेस, माफ करना स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है मुझे मान लिया और नुमान कंपनी की दोनों टीम है। ये थोड़ी सी चूक हुई, एक ओवर जो मेडन रहा उसके बाद ये एक रन इंक्लूड हुआ, स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 22 रन। हमारे जो स्कोरर हैं पिंटू कनौजिया जी,
स्टेट बॉल भाई। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि ने, माफ करना, अब हमारे स्कोरर ने आखिरी चीज बताई कि 23 रन ही हुए स्कोर बोर्ड के ऊपर। 23 रन हुए भाई, 23 रन। कमेंटेटर्स का काम होता है बोलना, ये कार्य जो जिम्मेदारी थी स्कोर बोर्ड पर, तो माननीय पारसनाथ यादव जी और अमरजीत यादव जी ने 51-51 रुपए की राशि दिया, इस बार पुल किया है और ये भी पूरे 6 रन देखी जाएगी। क्या ये कैच हो जाएगा तो कमेटी की तरफ से 100 रुपए की राशि दी जाएगी। जिन्होंने कैच पकड़ा कर अपनी राशि ले ली, स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या हो गई 29 रन। ये चौथा ओवर चल रहा है, अब तक मनोज ने लाजवाब उम्दा एफर्ट किया है, 2 चौके और 2 गगनभेदी छक्के लगाए अपनी टीम के लिए, जबकि वहां पर मिड विकेट पर फील्डर था और एक लॉन्ग ऑन पर फील्डर है। छोटा सा ये मैदान है, गेंदबाजी करेंगे अखिलेश। ये लाजवाब स्ट्रोक है, ये चौका देकर जाएगी और रास्ता दे दे जो गाड़ियां निकल रही हैं। फाइनल मैच कल खेला जाएगा, कहां है यार भाई, फाइनल मैच कल खेला जाएगा, सेकंड सेमी फाइनल मैच। शिवम है बल्लेबाज, माफ करना, अभी को इनकी न्यूज आई कि ये शिवम है जी, बिल्कुल ये तो बहुत बड़ा प्लेयर है। अब इनकी सामने गेंदबाजी अच्छी हो रही है, बल्लेबाजी भी अच्छी हो रही है, छोर को बदला है। हाँ जी, अच्छी गेंद, आप स्टंप के बाहर जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों में। तो ओवर अभी 33 रन स्कोर बोर्ड पर, अब चाहिए 100 रन चाहिए भाई। चौथा ओवर चल रहा है, अभी 8 ओवर आना बाकी है, विकेटों को सुरक्षित रखते हुए क्या ये बल्लेबाजी करेंगे। ये बॉडी लेंथ पर गेंद थी, उसे स्टेयर कर दिया, गई है स्क्वायर लेग अंपायर की दिशा में, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा कर लिया, ये ओवर की समाप्ति हो गई। तो अब चाहिए 48 गेंदें 99 रन। 99 रन चाहिए 8 ओवर में भाई, 48 गेंद 99 रन चाहिए। तो कुछ ही पल में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, ये 5 गेंद पर संभवतः ओवर हुआ था, अंपायर एक बार काउंट कर ले कि 6 गेंदें संभवतः नहीं हुई थी उस ओवर में। हमारे स्कोरर साहब ने ये इंक्लूड किया है कि क्या 5 ओवर ओवर हो गया था भाई, 8 ओवर में चाहिए 99 रन भाई, 40 गेंद और चाहिए 99 रन। अजय यादव ये कलाइयों के सारे स्टेयर किया है, पहली गेंद 5वें ओवर की, 1 रन यहाँ पर इंक्लूड कर ले, स्कोर बोर्ड रनों की संख्या होगी मैन ऑफ द मैच हुए थे, 35 रन विकेट लिए थे अजय भाई ने। अब उधर जाओ यादव, चबाश। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 35 रन, 1 गेंद इस ओवर में हो चुकी है। अजय यादव ने ये कि शुरुआत की है रोडवे इंड से, इस स्वर्गीय गंगा यादव जी की स्मृति में यह प्रतियोगिता चल रही है,
गेल है सामने, ये डाउन टू द ग्राउंड खेला है, गई है, बढ़िया अब तक बल्लेबाजी की है। शिवम है बल्लेबाज, ये गोरखपुर का बहुत ही अच्छा बल्लेबाज माने जाते हैं और टीम पर इनको बड़ी दायित्व और जिम्मेदारी है। कहां पे रहे हो भैया? शाबाश, कोई ना कोई ना भाई, कोई ना, शाबाश। इसी बीच अगली गेंद पैरों की तरफ आ रही थी, स्टेयर भर कर दिया, ये शॉट मिडाउन पर, जब तक गेंद को फील्ड करते एक रन और बनाने का मौका मिल गया। आप लोग वीडियो को शेयर कर दो भाई, जितने लोग देख रहे हैं भाई, 2K फिर पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बरकातहू भैया। प्रत्येक छक्के पर ₹50 प्रदीप गुप्ता जी पचहुआ की तरफ से, और ये बहुत ही लाजवाब ये उम्दा छक्का लगाया है। स्कोर हो गया 43 रन। प्रवीण गेल चल रही है भाई, 43 रन, 5 ओवर चल रहा है। अजय यादव रोडवे इनसे गेंदबाजी करेंगे, बीच इस गेंद पर लगान की दिशा में खेलकर एक रन अर्जित कर लिए। एक छक्का या इस ओवर में आ गया है, रन गति में वृद्धि हो रही है, स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या होगी 44 रन 133 के जवाब में। अच्छा ये दिलचस्प है ये मुकाबला, अब एक नया रूप ले रहा है धीरे धीरे इस मैच में, देख रहा हूं कि कर्मते बदल रही है, स्थिति अभी बैलेंस्ड है दोनों साइड से। लगातार विजय साहनी जो लगातार फील्ड में परिवर्तन कर रहे हैं, अब मैं देख रहा हूं कि यहां पर डीप मिड विकेट को बाहर निकाल दिया है और साथ ही साथ स्क्वायर लेग को बाहर निकाल दिया है, और एक है डीप एक्स्ट्रा कोर पर, एक है लॉन्ग ऑन पर, और बाकी जो फील्डर्स हैं वो सीमा रेखा दायरे के अंदर, यानी जो 30 यार्ड का जो ये दायरा है उसके अंदर है। अजय यादव गेंदबाजी करेंगे इस ओवर में, इस बार कलाइयों के सहारे स्टेयर भर कर दिया और एक रन यहां इंक्लूडेड कर लिया स्कोर बोर्ड के ऊपर। अंपायर ओवर की समाप्ति का ऐलान करेंगे, ये 6 गेंद इस ओवर की हो चुकी है, डिलीवर हो चुकी है, 45 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 133 के जवाब में 5 ओवर की समाप्ति पर। 5 ओवर के समाप्ति पर टोटल तो भाई शुक्रिया भाई, इतने लोग जो शेयर कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अब बॉलर आए अमरजीत, स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 45 रन, 133 रन बनाने हैं, 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब अमरजीत यादव, अब ये तुरूप का इक्का है, ये मैच किस करोड़ बदलेगा ये ओवर धीरे धीरे तय करेगा, क्योंकि ये छठा ओवर है और निर्णायक ओवर है, इसमें ये तय करेगा कि अगर ये 15 रन अगर टीम यहां से अर्जित कर लेगी पचहुआ, तो उसके लिए मजबूत उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत हो जाएगा। अगर अमरजीत ने इस ओवर में अगर एकाद सफलता अर्जित कर ली तो फिर टीम मानव सेवा संस्थान थोड़ा सा मजबूत दिखेगा, क्योंकि इनके पहले 3 बड़े बल्लेबाज दीपक शानू और बिट्टू पवेलियन है, 2 बल्लेबाज 0 किया है और 1 बल्लेबाज दीपक ने 6 रन। अमरजीत ये फील्डिंग करने का तरीका देख लीजिए कि अपनी पूरी बॉडी का बैलेंस उस गेंद के ऊपर रख दिया कि कहीं गेंद कहीं मुझको बीट करते भी निकल जाए। 30 अच्छी ये शॉट है, पहली गेंद पर 1 रन अर्जित कर लिए। अब प्रवीण गेल क्या करेंगे ये खेल, और मैं देख रहा हूं कि माननीय श्री बलवंत यादव जी ब्लॉक प्रमुख मिर्जापुर आजमगढ़ का आगमन हो रहा है। शिवम भारी भरकम शरीर के मालिक है लेकिन लाजवाब अंदाज में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की है,
तो ताजपोशी करने के लिए मैं देख रहा हूँ कि तमाम जो स्वर्गीय गंगा यादव प्रतियोगिता के जो तमाम जो लोग हैं इस बार घुटने टेक कर ये स्ट्रोक्स लगाया था उसके पीछे है स्क्वायर लेग की दिशा में, जहां पर अजय यादव है गेंद को फील्ड कर लिया, एक रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे, दो गेंदों पर दो रन, स्कोर हो गए 47, 5 में 45, अब ये दो गेंदों पर दो हो गए 47, 133 करने। तो माननीय श्री बलवंत यादव जी ब्लॉक प्रमुख मिर्जापुर आजमगढ़ का आगमन हुआ है और ये बेहतरीन ये सुखद पल है हमसे दूर जाते हुए। ये खराब गेंद और ये बढ़िया प्रहार, ऐसी शॉट ऑफ लेंथ गेंद शिवम को, इस छक्के से ही मदद से स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या जा पहुंचा हमारी स्कोरर पिंटू जी 53 के योग पर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोग वीडियो को शेयर कर दो जितने लोग देख रहे हैं। धीरे धीरे और जफर कसमकस है जो लड़ाई है बीच मैदान पर, जो संघर्ष है दोनों टीमों के बीच अच्छा चल रहा है, रोमांचक है ये मुकाबला। तीन गेंदों पर 8 रन कर लिए, पेज को आप लोग फॉलो कर ले जफर रेंजर, ये पेज आप लोग फॉलो। अब ये अमरजीत क्या करेंगे इस ओवर में, हमारे बीच में आ रहे दोस्तों मैं बता दूं माननीय श्री बलवंत यादव जी ब्लॉक प्रमुख मिर्जापुर, एक ऐसे अब सभी गाड़ियों को आ जाने दीजिए अंपायर साहब। माननीय श्री बलवंत यादव जी ब्लॉक प्रमुख मिर्जापुर जो हमारे बीच में जिनका आगमन हो रहा है और अंपायर साहब गाड़ियां लग रही हैं, अगर आप चाहें तो मैच को चालू करा सकते हैं, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है, समय भी जा रहा है, बल्लेबाजों का रिदम भी है जो ब्रेक मिल रहा है, 4 बजने को है और समय को भी बहुत ध्यान में रखना होगा, सेमीफाइनल का ये मुकाबला है, सभी चीजों को देखनी जरूरी है हर नजरिए से। ये कट किया है और ये है गैप में देकर जाएगी पूरे 4 रन शिवम। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच में माननीय श्री बलवंत यादव ब्लॉक प्रमुख मिर्जापुर आजमगढ़ का आगमन हो रहा है, एक ऐसे शख्स, एक कद्दावर नेता इस पूर्वांचल की सरजमी का, स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 57 रन, पूर्वांचल के सियासत के सबसे अच्छे चेहरे हमारे बीच में मौजूद है माननीय श्री बलवंत यादव जी पूर्व जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्लॉक प्रमुख मिर्जापुर। इस बार ये चौका देकर जाएगी, तो अब जो मैंने कहा था कि इस ओवर में अगर चौके छक्के लगेंगे तो ये मुकाबला और निर्णायक साबित होगा। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या 61 रन 133 के जवाब में अमरजीत का ये ओवर चल रहा है, आखिरी गेंद होगी ओवर की। क्या खेल रहे हैं, खेल नहीं रहे ये खिलवाड़ कर रहे हैं, लाजवाब किसे। तीन लगातार ये बैक टू बैक चौका लगाया है बल्लेबाज शिवम ने। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या 6 ओवर की समाप्ति पर 65 रन 133 के जवाब में। बीस रन का ये ओवर घटा है, थोड़ा मीटिंग कर रहे हैं मैच जीतने के लिए, कुछ रणनीति बना रहे हैं। समय को ध्यान में रखते हुए मैच को फटाफट चालू रखें, समय को ध्यान में रखें, 36 गेंदें डिलीवर करनी है। शिवम अपने निजी स्कोर उनका 42 हो गया है। माननीय श्री पारसनाथ यादव जी के बाद आज मैं देख रहा हूं माननीय श्री हमारे बीच में आए हुए हमारे मुख्य अतिथि
माननीय श्री बलवंत यादव जी ब्लॉक प्रमुख मिर्जापुर आजमगढ़ का आगमन हुआ है भाई। ये बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, इस पूर्वांचल के गलियारे से बात करें, एक ऐसे नेक इंसान जो हमेशा गरीबों की सेवा में तत्पर रहते हैं, बाढ़ पीड़ितों की मदद हो, कोरोना काल में मदद करना, हर कार्य में ये 133 रन करने हैं, स्कोर बोर्ड पर 65 रन लगे हैं, 36 गेंदे आना है, 36 गेंदों पर 68 रनों की दरकार है, 36 गेंदों पर 65 कर लिए, 36 गेंदों पर 68 करने हैं, 3 विकेट गिरी हैं, ये निर्णायक ये ओवर, ये बढ़िया फील्डिंग मैं कहूंगा, हाथ लगाकर रोक लिया था, लेकिन अब 5 गेंदे हैं और इस वक्त ओसामा के हाथ में ये गेंद है, अपने कोटे का ये तीसरा ओवर लेकर आए हैं, राउंड को चेंज किया है, अब गेंदबाजी कर रहे हैं रोडवे इन से। दोस्तों एक नेक इंसान हमारे बीच में जो मौजूद है, माननीय श्री बलवंत यादव जी ब्लॉक प्रमुख मिर्जापुर आजमगढ़, इसे बीच हमसे दूर जाते हुए, इस बार अच्छी गेंद और एक रन से यहां स्कोर बोर्ड को चलायमान रखा है, कहीं ना कहीं ये जो स्कोर है मानव सेवा संस्थान ने 133 किए हैं, 32 किए हैं, 133 रन करने हैं, और इसके जवाब में अब तक 3 विकेट जो शुरू में यहां पर ओसामा ने जो अर्जित की थी और सिंहासन ने अर्जित की थी, उसके बाद से मैं देख रहा हूं कि वापसी हो रही है। ये बढ़िया गेंद है, गिल बड़ी समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि ये तूफानी बल्लेबाज है, लेकिन बहुत विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये समझ रहे हैं। शिवम और प्रवीण लगातार बात कर रहे हैं, स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है इस वक्त 67 के योग पर, ओसामा का ये लाजवाब ओवर चलता हुआ अब तक, बढ़िया ही ओवर घटा है, हाँ ये बड़ी हिट है और ये भाई दर्शक वहां पर है, अंपायर साहब जा रहे हैं, कोई छक्का कह रहा है, कोई ये 6 रन दे दिया अंपायर साहब ने, 6 रन है और खुद वहां पर अखिलेश ने भी कह दिया कि नहीं ये 6 रन है, 6 रन स्कोर बोर्ड में इंक्लूड हो गए, स्कोर बोर्ड पर 73 हो गए, ये हैट्रिक 6 लगाने पर 151 रुपए, प्रदीप गुप्ता जी पचौवा पर भी 151 रुपए है, वो काजू स्वीट हाउस दे रहा है, दोनों तरफ से इनाम है 151 151। ये बढ़िया गेंद, 6 खाया उसके बाद वापसी कर दी, अब तक 4 गेंदे यहां पर गेल ने खेली है, 1 गेंद शिवम ने, 5 गेंद इस ओवर में डिलीवर हो चुकी है, 1 गेंद आना शेष है, ओसामा गेंदबाजी कर रहे हैं रोडवे इंड से और स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है, अपने यहां आप ये भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप्स को नहीं छुई, ये बहुत बड़ा विकेट हो सकता था। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर समाप्त हो गए हैं, स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 73 रन, 7 ओवर में भाई 73 रन, 30 गेंदे 60 रन, 5 ओवर में 60, हर गेंद पर 2 रन, धीरे धीरे मुकाबला अपनी पकड़ बनाते हुए, भैया आप लोग और शेयर कर दे, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को भाई शेयर कर दे, तीस गेंदे 60 रन, 12 ओवर 133 के जवाब में अब तक टीम ने 7 ओवर में 73 रन कर लिए, सेमीफाइनल का ये मुकाबला है, मामा मानव सेवा संस्थान वर्सेस पचौवा के बीच चल रहा है, अब स्वर्गीय गंगा यादव इनसे गेंदबाजी होगी, ये बहुत ही बेहतरीन उमदा, शिवम की 50 पूरी हो गई भैया, 49 पर है ये, माफ करना,
मुनीब यादव ने हैट्रिक छक्के पर 500 रुपए की धनराशि लगाई है। ये भी बहुत क्रूशियल है ये ओवर, ये गली में है। अब 50 पूरा हुआ शिवम का, बढ़िया बल्लेबाजी की है, दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया है यहां पर शिवम ने। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या हो गई 80। तो अब विकेटों जो विकेटें गिरी थी शुरुआती 6 रन पर 3 विकेट, उसके बाद एक सदी भी शुरुआत यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने अपने विकेट की अहमियत को समझाया। अब यहां से मानव सेवा संस्थान को अगर इस ओवर में या इसके बाद वाले ओवर में विकेट नहीं मिला तो मुकाबले से धीरे धीरे दूर हो जाएगी, क्योंकि ये जो दोनों बल्लेबाज है बहुत जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और इन्हीं पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मैच अभी भी दोनों तरफ है, किस तरफ ये करवट लेगा ये संभव नहीं बता पाना। ये लाजवाब स्ट्रोक्स है, भाई जो गेंद बाहर जा रही है उसे तुरंत अंदर मंगवाएगा। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या हो गया 86। आप लोग भाई वीडियो को शेयर कर दे भाई, आप लोग वीडियो को शेयर कर दे और हमारा जफर एनजे नाम से एक यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर ले भाई। तो प्रवीण गेल की चल दी है रेल, सिंहासन चौहान के हाथ में है गेंद, इस बार ये जाल में फंसाया है, ये कैच नहीं छोड़ दिया ना दीना, ना तो श्यामा है ना तो सिंहासन, ये अगर विकेट गिर जाता तो मैच की स्थिति करवट बदल जाती। देख राशिद, और ये फिर शिवम पर सारी जिम्मेदारी आ जाती तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता। गेल अपनी विकेट की अहमियत को समझते हैं, एक 87 रन हो गए, 46 रन और चाहिए, 46 रन और चाहिए भाई, इसके बाद 4 ओवर बचे हुए हैं। आप लोग थोड़ा और शेयर कर दो भाई, 2K पहुंच जाएगा, थोड़ा सा और जोर लगा के शेयर कर दो भाई। विशाल सिंह ने ये 5 देख रहे भाई, मैं भरा ने 500 रुपए की ये राशि दी है शिवम को, 50 जो उन्होंने अर्धशतक जो जड़ा है यहां पर उनके लिए, 1 रन ये और यहां पर कर लिए विशाल सिंह मेहरा बड़े भाई ने, ये जो 500 की राशि दी है शिवम को भाई, थोड़ा सा और शेयर कर दो भाई। आखिरी गेंद डिलीवर होनी है इस ओवर की और स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 88 रन, 88 रन भाई, इनका भी कैच छूटा था। आपने कैच छोड़ा और ये उसका नतीजा, चौबीस गेंद पे 39 रन चाहिए भाई, 4 ओवर में 39 रन। आप लोग भाई वीडियो को शेयर कर दे भाई, जितने लोग देख रहे वीडियो को भाई शेयर कर दे। 24 गेंदे 39 रनों की जरूरत, चार ओवर में 39 रन चाहिए भाई। बिक्की सिंह की तरफ से गेल को ये 500 रुपए, बिक्की सिंह मैं भरा, तो विशाल सिंह जी ने 500 दिया था शिवम को, तो अब यहां गेल को 500 रुपए की राशि आई बिक्की सिंह की तरफ से। प्रदीप गुप्ता जी ने ये 151 रुपए लगाया, 101 रुपए लगाया हैट्रिक 6 पर, ये निर्णायक ओवर है। गेल के हर सिक्स पर 50 रुपए। ये गेंद अच्छी गेंद पैरों की तरफ आ रही थी, ये अच्छा विकेट कीपिंग, विशाल सिंह गेल के हर सिक्स पर 50 रुपए की धनराशि।
भाई आप लोग शेयर कर दो भाई, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को भाई शेयर कर दे भाई, और हमारा एक यूट्यूब चैनल है जफर एनजेड नाम से। अभी भी मैच करवट ले रहा है दोनों तरफ ये मुकाबला। ये छोटा सा ग्राउंड है लेकिन यहाँ हमेशा ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल रहा है। ये एक रन यहां पर पूरा कर लिया, दो गेंदें हुई हैं। ये शिवम और जो प्रवीण गेल की ये जोड़ी है ये समझ रही है कि प्रवीण गेल जिन्होंने दो तीन छक्के तो ऐसे लगा दिए जो मैच की तस्वीर बदल दिया, नक्शा बदल रहा है, भूगोल बदल रहा है। ये फुल टॉस के और ये भी नो मैन्स लैंड में, मां की दुआएं लेकर निकला ये नौजवान प्रवीण गेल। लाजवाब, अब तक ऐसे कैच जो चाहते तो सिंहासन चौहान या तो श्याम पकड़ लेते लेकिन यहां पर पैर फंस गया था अजय का, वो भी नहीं पहुंच पाया और ओसामा से बहुत दूर था। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या 96 रन, इसके बाद अभी 3 ओवर डिलीवर होना बाकी है। अब है शिवम, लाजवाब ये गेंद सही ठिकाने पर। इससे पिछले वाले क्वार्टर फाइनल के मैन ऑफ द मैच थे अजय, 5 विकेट झटकी थी, ऐसी ही मैच की सिचुएशन थी। लेकिन आज शिवम भी अपने विकेट की अहमियत समझ रहे हैं। है ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 97 रन, 96 रन, माफ करना 96 रन, 96। ये बड़ा विकेट, यकीनी रूप से नादीना। अपने ताना बाना अपने जाल में जो यहां पर फंसा लिया भी, खुशियों का ये माहौल, कपड़े निकालकर मोबाइल फेंक दिया। नहीं भाई अपनी मर्यादा में रहे दर्शक, ये विकेट चौथा गिरा है, 6 पर गिरा था विकेट और ये 96 पे गिरा। 90 रन की साझेदारी की थी शिवम और गेल ने। दर्शक देख रहे भाई, एक माननीय श्री बलवंत यादव ब्लॉक प्रमुख मिर्जापुर आजमगढ़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या मुकाबला हो रहा है, जबरदस्त है ये मुकाबला। अब है मोहित, बहुत शुक्रिया भाई जो लोग शेयर कर दिए, बहुत जो लोग देखे भाई, उम्मीद करता हूं हिट और मिस टाइप वाले प्लेयर है। अब इनका क्या योगदान रहता है इस मुकाबले में, एक सफलता अर्जित कर ली। आपसे रिक्वेस्ट है भाई, ये क्या हुआ, 4 है, 4 रन जी बिल्कुल, यानी ये कैच होता तो मैच की तस्वीर बदल जाती। कैच छूट गया भाई, 100 रन हो चुके हैं, 100 रन, 33 रन चाहिए भाई। भाई जो दर्शक हैं वो झंडी अंडी को रहने दे, 100 रन है स्कोर बोर्ड पर भैया, 18 पर 33 करने हैं। क्या ये मुकाबला है, अगर ये कैच हो जाता तो 4 रन बचते, 3 में 37 करने होते, दबाव होता, लेकिन ये 3 में 33 करने हैं। 3 में भाई बाउंड्री सीमा रेखा के जो दर्शक हैं मैं चाहूंगा कि वो बाहर रहे। 18 गेंद 33 रन चाहिए भाई, और जफर एनजेड को यूट्यूब पे भी फॉलो कर ले और इस पे भी फॉलो कर ले भाई, जो लोग देख के चले जाते फॉलो नहीं करते भाई, फॉलो भी कर ले भाई। 18 गेंद 33 रन चाहिए, भाई
प्रदीप गुप्ता ने हर छक्के पर 50 रुपए का यहां इनाम लगाया है गेल के ऊपर। अब ये 18 गेंदे 33 रन गेल के ऊपर ये सातार यहां पर है। 33 रन करने 18 गेंदे हैं। गेंदबाज हैं अखिलेश यादव, ये बढ़िया स्ट्रोक्स लगाया है, क्या लाजवाब फट, ये फील्डिंग नहीं 3 रन बचा लिए, एक ने चौका छुड़ा और यहां एक चौका बचाया, जोरदार तालियां बजा दे भैया। विजय गेल बढ़िया एफर्ट करके दिखाया अपनी टीम के लिए, अच्छे खेल की तारीफ करें, कोई टीम कोई खिलाड़ी अपने अपना नहीं है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, लेकिन तारीफ खेल की होनी चाहिए, जो अच्छा करे उसके लिए तालियां बजनी चाहिए। अखिलेश मोहित के लिए ये गेंद और ये वाइड कर दिया अंपायर ने, वाइड रन है, एक रन और खाते में जुड़ गया 100। बड़ा ये निर्णायक है मुकाबला, अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ ये करवट ले रहा है, एक तरफ रीढ़ की हड्डी बनकर मैदान पर खड़े पचहुआ की ताकत प्रवीण गेल और मोहित शिवम की एक अड़सठ की पारी समाप्त हुई। अब अखिलेश ये वाइट, अब अखिलेश यादव गेंदबाजी करेंगे, मोहित को 2 आउट हो गई इस ओवर में, ये 6 कैच भी छूटा था इन्हीं, तो भाई दम लगा के 25 के वाला रिकॉर्ड टूट जाए 2 पॉइंट। मोहित के बल्ले से ये छक्का आया है, अच्छी गेंद थी लेकिन बल्लेबाज भी अच्छा है, अच्छी गेंद पर ये शॉट लगा ये थी। एक गेंद डॉट हो रही है, एक पर 6 आया, 3 गेंदे 7 रन आए, उस स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 109 रन, 109 भाई आप लोग शेयर कर दो भाई प्लीज, बिल्कुल जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को भाई शेयर कर दो, बहुत अच्छा मुकाबला भाई। चौबीस 25 रन चाहिए भाई जीतने के लिए, इसके बाद 2 ओवर बचे हुए भाई, स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 109 रन, अभी इसके बाद 2 ओवर आना बाकी है। खेल दिया भाई, ये ऊंचा है, आउट है, बिल्कुल ये आउट है बल्लेबाज, और ये मैच अब धीरे धीरे करवटें बदल रहा है। ये विजय गेल के लिए भी तालियां बजा दे यार, लाजवाब कैच पकड़ा है, ऐसे मोमेंट पर अगर इनका हाथ छिटक जाता तो ये 6 हो जाता। इसके बाद अभी 2 ओवर आना बाकी, स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या 109। विजय माल्या भाई भी आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया, छक्का भी लगा इस ओवर में, गेंदे भी डॉट हुई और विकेट भी मिले। एक नंबर, अगर विजय के अलावा कोई और भी होता है जो हाइट है उनकी, कोई और फील्डर होता तो शायद ये पकड़ भी नहीं पाता, लंबी हाइट का। अब तक इन्होंने अपनी टीम के लिए 8 रन बचा के दिए, 1 चौका 1 छक्का, 6 3 9 रन अपनी टीम को बचा के दिए।
भाई मैं अब ये थोड़ा सा और भाई शेयर कर दो भाई, जितने लोग देख रहे हैं भाई भाई शेयर कर दे। और जफर पंकज है तो हैंड अप कर दे भाई। हाँ जी पंकज है, ये चैनल है जफर इंजन नाम से। ये गेंद भी बहुत निर्णायक है, जी बिल्कुल, या तो आप सीधी लगा ले या तो हेड निकाल दे। रूल बता रहे बहुत अच्छे, स्कोर 109, 24 रनों की जरूरत, 13 गेंदे। बारह गेंदे 24 रन, 12 गेंद 24 रन चाहिए भाई अभी मैच। हाँ ये मुकाबला है, अब बड़ी कांटे कर रही है सरगी गंगा यादव प्रतियोगिता में, लाजवाब ये मुकाबला हुआ है। दर्शकों को अब तक समझ में नहीं आया कि कौन सी टीम जीत रही है, एक बार ये लग रहा है कि टीम पचुआ जीत जाएगी, फिर अचानक से मैच में ऐसे करोटे ले ली कि अब ऐसा लग रहा है कि मानो फिर से मानव संस्थान हावी हो रहा है। लेकिन अब ये ओवर सबसे निर्णायक है, आप लोग वीडियो को शेयर कर दे भाई। दर्शक जो जा रहे हैं फटाफट अपनी फटाफट निकल रहे भैया, क्योंकि अंपायर साहब को भी दिक्कतें होती है। 12 गेंदे 24 रन आज हमारे मेहमान हमारे मानित्री बलवंत यादव ब्लॉक पर मिर्जापुर, उन्होंने कहा कि हम वीडियो को भाई शेयर करते हैं थोड़ा मिनट, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो खिलाड़ियों को दिखेगी नहीं गेंद तो दिक्कत होगी, इसलिए ये मैच को समाप्त होता है, उसके बाद जो कार्य होगा तो हमारे विशिष्ट अतिथि वो करेंगे। 2.5 का रिकॉर्ड तोड़ दे भाई, थोड़ा सा और शेयर कर दो भाई। ये एकदम जोश में भाई मैच, आप लोग भाई शेयर कर दो भाई। 11 गेंद 24 रन, आप लोग भाई वीडियो को भाई शेयर कर दे भाई, बहुत ही ये मुकाबला है बड़ा दिलचस्प। दर्शकों को भी नहीं समझ में आ रहा है आज हो क्या रहा है। अरे भाई बस 11 गेंद है, ये वही करिश्माई गेंदबाज है जिसने इससे पहले वाले मुकाबले भी मैच का नक्शा पलटा था। अब कौन है बल्लेबाज, पहले इससे आप सेमीफाइनल और स्वर्गीय गंगा यादव जी की स्मृति में, और ऐसा मुकाबला ये महामुकाबला है, आप लोग वीडियो को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दर्शक दो खेमे में बटे हैं, खुशियों का माहौल और गम का माहौल, जब विकेटें गिर रही है तो पिलहनी मानव सेवा संस्थान खुश, और छक्के लग रहे हैं तो इधर डंके पड़े। दोनों खेमे में दर्शक है और लाजवाब मुकाबला, 11 गेंद 24 रन भाई। अब पिलहनी जितने मुकाबले खेलती है वो सब रोमांचक ही बना देती है, अब 11 गेंद 24 रन, वो 11 गेंद 24 रन भाई। ना जी ना, दो गेंदें इस ओवर में डिलीवर हुई हैं, दोनों क्या लग समा अजय यादव पूर्वांचल का बेहतरीन राइट मीडियम पेसर, वो गेंदबाज जिसने पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच और अपने कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी जो कप्तान की है, दायित्व की है, वो निभा रहे हैं अपनी टीम के लिए। अब बची है ये 4 गेंदे डिलीवर होना इस ओवर में, और ये निर्णायक ओवर साबित होता नजर आ रहा है दोनों टीमों के लिए। करवा दो भाई, वो मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा। अब ये मुकाबला किस तरफ करवट ले रहा है, कल फाइनल मैच यहाँ पे होगा भाई, आप लोग भाई 4 गेंदे बची इस ओवर में, भाई साहब क्या चोट कमर पर संभाता, उनको चोट आ गई उनके मसल्स में, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है मुकाबला अब तक, उन्होंने 10 रन अपनी टीम के लिए बचाए, उनके मसल्स पर चोट की है, दो कुल्ला इस पर इनको चोट लगी है, जब ये घूम रहे थे मस खिंच गई। भाई साउंड सर्विस थोड़ा सा अपना भी योगदान दे दो यार, साउंड फंस रहा है। अच्छी कमेंट्री हो रही है, अच्छा मुकाबला हो रहा है, अच्छी अंपायरिंग हो रही है, अच्छा जफर इंजन के चैनल पर चल रहा है, अच्छे हमारे दर्शक हैं और अच्छे हमारे माननीय श्री बलवंत यादव जी हैं, सब लोग अच्छे हैं। पॉइंट कर दो भाई, रिकॉर्ड हो जाए भाई 3 पॉइंट का, सब कुछ है अच्छा। मोनू बरहा जी आपका साउंड सर्विस है जी, बिल्कुल अच्छा। 3 गेंदे डिलीवर हुई अब तक, एक भी रन नहीं। भाई
हनमैन सो यहां पर परफॉर्म करते हुए 9 गेंदे 24 रन। क्या दिलचस्प हो गया ये मुकाबला भाई, आप लोग शेयर कर दो भाई, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो भाई। राम विकास वन बाउंस ऑफ द ओवर करार दे दिया अंपायर ने। अब तो 3 गेंदे 1 भी रन नहीं आए, 24 रन करते थे। स्वच्छ अंपायरिंग, स्वच्छ स्कोरिंग, स्वच्छ कमेंट्री, स्वच्छ टूर्नामेंट, सब कुछ स्वच्छ हुआ है, साफ। 9 गेंदे 3K पहुंचा दो भाई, 3K पहुंचा दो भाई। आसिफ भाई, विशाल सिंह मेहरा भैया ने, सोनू सिंह ने बहुत पैसे अब तक इस प्रतियोगिता में लगाए हैं खिलाड़ी के ऊपर, दाव लगाया था। और उधर से मैं देख रहा हूं कि काजू स्वीट हाउस और आरके गुप्ता जी, सभी लोगों ने यहां पैसे लगाए। अब ये मुकाबला 9 गेंदे 24 रन काटे का है मुकाबला, और कप्तान है गेंदबाज जिस पर सबसे बड़ी ये दायित्व, ये जिम्मेदारी, राम विकास। ये पल्ले का एज लगा है 1 रन, अब बची है 8 गेंदे 23 रन। 8 गेंद 23 रन चाहिए भाई। अब अगर इस 2 गेंदों पर छक्का नहीं आया तो 55 का काम बिगड़ेगा। अगर इस उम्र में एक आध छक्के लग गए तो 55 का काम बनेगा। अब ये दोनों चीजें यहाँ पर हैं, ये 2 गेंदे अजय यादव की बहुत कुछ निर्भर करती है। 8 गेंद भाई चाहिए, 23 रन भाई, 8 गेंद 23। 8 गेंदे हैं, डिलीवर फटाफट कर दे, समय लगे बल्लेबाज भी गेंदबाज भी। शुक्रिया से भाई, बहुत बहुत। ये लगा दिया, तो अब जो रन हो गए अब चाहिए 7 रन। अरे भाई 116, 7 गेंद 17 रन चाहिए भाई यार, 7 गेंद 17 रन हो गए 116। आप लोग वीडियो को, क्या ये मुकाबला है, 7 गेंदें बची हैं। 3K पहुंचा दो भाई, ये हो गई 6, हो गए 22। अब चाहिए एक ओवर में 11 रन, 6 बॉल 11 रन चाहिए भाई। 4 गेंदें थी अजय की, देख रहे भाई, शुक्रिया भाई, खान बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जो लोग कंग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, मैसेज कुछ लोग का नहीं पढ़ पा रहा हूं भाई, टाइम पास मत करो लोगों, जल्दी करो। शुक्रिया से थैंक यू साकिब नुमान, साकिब भाई जो नजीर हॉस्पिटल में मुझे के ऑनर है, जो आजमगढ़ में, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू भाई। आप सभी का स्वागत है भाई, आप लोग के सपोर्ट से मैं 3K फर्स्ट बार पहुँचा हूँ, 3.1। थैंक यू भाई, आप लोग शेयर किए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका, जो हमारे कस्बा माहौल के ऑनर है, एडमिन है भाई कस्बा माहौल आजमगढ़ के ऑनर आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, अच्छा लगा। मुझे अभी 3.1 दिखा रहा है भाई, 6 गेंद चाहिए भाई, 6 गेंद 11 रन, 6 गेंद पे 11 रन चाहिए भाई। अब 10 गेंद पे चाहिए भाई, अरे 10 रन चाहिए भाई। भाई आसिफ भाई मुझे नहीं दिखा रहा है ना अभी, मुझे तो वो नहीं दिखा रहा है। आउट नहीं दिया गया भाई, आउट अभी क्यों गया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अंपायर ने
चाहिए 10 रन चाहिए। भाई आप लोग कौन से कर भाई 3.5 3.5 पहुंच जाए भाई, चाहिए भाई 4 गेंद 10 रन ना, 5 गेंद पे 10 रन चाहिए भाई, 5 गेंद 10 रन। शुक्रिया आसिफ भाई, आप ही की देना है मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ। अच्छा 5 गेंद पे 10 रन चाहिए शायद। भाई 5 गेंद 10 रन चाहिए भाई। तेज सिक्स दे दिए भाई, कैच पकड़ने के बाद सिक्स। हेलो पब्लिक देख रहे हैं, हेलो दर्शक पहले बाहर हो जाए ग्राउंड के, सर्वप्रथम दर्शक बाहर हो जाए। कमेटी टीम ने बहुत पहले निर्णय ले चुका था कि पीपल के किसी भी पत्ते पर यदि गेंद टकराती है तो 6 रन करार दिया जाएगा और अंपायर ने 6 रन करार दिया। भाई करा दो भाई 3.5 के करा दो। तो स्कोर बोर्ड की तरफ हम रुख करें, 4 रनों की जरूरत है, 4 गेंदे 4 रन। भाई आप लोग 3.5 के करा दो भाई। 3 लगातार 6 लगाए इस बल्लेबाज ने, थोड़ा सा भाई हो गया लग रहा है। 4 रनों की जरूरत 4 गेंदों पर, 6 विकेट हुए, 4 गेंद 4 रन चाहिए भाई, 4 गेंद पे 4 रन चाहिए भाई। और हमारे एक पेज है जफर एंजेड नाम से, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया आसिफ भाई बहुत बहुत। 4 गेंदे 4 रन चार गेंदे 3 रन, 1 बाउंस ऑफ द ओवर करार दे दिया अंपायर ने। अंपायर के देख लो भाई बहुत अच्छे अंपायर है। 4 गेंदे 3 रन, 4 गेंद पे 3 रन चाहिए भाई। साइड चेंज, 4 गेंदे 3 रन, 130 हो चुके हैं, 3 रनों की जरूरत, 4 गेंदे डिलीवर होनी है। चार गेंद पे भाई 3 रन चाहिए भाई। भैया 4 गेंदे 3 रन, 3 गेंदे 3 रन, 3 गेंद भाई 3 रन। दिलचस्प है ये मुकाबला, करवटे बदल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कौन सी टीम कब जीत रही कब हार रही है। 3 गेंदे, ऐसे मुकाबले बहुत दिलचस्प होते हैं। 3 छक्के लगाना आसान होता है लेकिन 3 सिंगल डिलीवर करना बहुत मुश्किल। अब ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, हार जीत पार्ट ऑफ गेम है। और इस मुकाबले से जीत ली और इसी भी खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए फूलों के साथ स्वागत हो रहा है खिलाड़ियों का। और पचाहुआ की टीम की जो एंट्री फीस है इसे देख लो भाई, पचाहुआ की टीम की जो एंट्री फीस दिए हैं वो वापस की दी जाएगी। पचहुआ की टीम की जो एंट्री फीस है वो बबलू यादव रत्नेश यादव की तरफ से वापस की जाएगी। और रियासत अली थोड़ा संयम रखे, नहीं तो हार्ट अटैक होने की भी शंका है। अब कल यहाँ पे फाइनल मैच खेला जाएगा भाई,
कल यहाँ पे फाइनल मैच खेला जाएगा। दर्शकों में इतना ज्यादा खुशी का जश्न मन रहा है और इसी बीच एक गाना लग जाए। दोनों टीमों के खिलाड़ियों को सूचित किया जाता है कि दोनों लोग लाइनअप हो जाएं। हमारा फेसबुक वाला